नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। छब्बीस जनवरी के बाद से किसान आंदोलन को काफी रोष का सामना करना पड़ रहा है। अब इस बीच तीन दिन में सिंघू बॉर्डर को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके साथ ही किसान आंदोलन के खिलाफ ग्रामीणों ने नारेबाजी की। तो वहीं दिल्ली यूपी से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने अपने टेंट हटाने शुरू कर दिए हैं। मौके पर पीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। पलवल में भी पुलिस आंदोलनकारियों को खदेड़ रही है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी ग्रामीणों ने किसान आंदोलन का विरोध किया। आंदोलन में हिंसा को लेकर के दिल्ली पुलिस भी अब एक्शन मोड में है। इसके तहत किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है, जिसमें पूछा गया है कि कार्रवाई क्यों ना की जाए। दिल्ली में निकली किसानों की ट्रैक्टर रैली में जमकर हिंसा हुई है। इसका असर अब किसान आंदोलन पर दिख रहा है। सिंघू बॉर्डर पर पिछले करीब दो महीने से आंदोलन कर रहे किसान संगठन के खिलाफ गांव वाले सड़कों पर उतरे। लाल किले में हुई हिंसा को लेकर गांव वालों में नाराजगी देखी जा रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि तुरंत हाईवे को खाली किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि लाल किले में तिरंगे का अपमान किया गया है, जो हम लोग नहीं सहेंगे। उन्होंने कहा है कि अब तक किसानों की वो मदद कर रहे थे, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन जो घटना घटित हुई उससे वो नाराज। गांव वालों की ओर से प्रदर्शन किया गया। किसान प्रदर्शनकारियों ने भी इसके बाद नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों की ओर से जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए। इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब नारेबाजी करने वाले दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हालांकि कुछ वक्त के बाद ही स्थानीय प्रदर्शनकारी वहां से लौट गए। इसके बाद गणतंत्र दिवस के दौरान हुई हिंसा के बाद अलग अलग प्रदर्शन वाली जगहों पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। ऐसे में जो लोग प्रदर्शन करने आए वो भी कुछ ही दूरी पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का भी विरोध हो रहा है। दिल्ली में हुए तिरंगे के झंडे के अपमान के बाद स्थानीय व्यापारी और ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। ग्रामीण हरियाणा सीमा में हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर धरना देकर के बैठ गए। राजस्थान पुलिस ने काफी पुलिस फोर्स को बढ़ाया। ग्रामीण बैरिकेड्स हटाने की बात पर अड़े रहे। उत्तर प्रदेश के बागपत में चल रहे किसान आंदोलन को पुलिस ने देर रात खत्म करवा दिया। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर धरने पर बैठे किसानों को प्रशासन ने उनके घर भिजवा दिया। पुलिस की कार्रवाई का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इसमें पुलिस किसानों को भगाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हाईवे पर पुलिस बल के साथ साथ आला अधिकारी मौजूद। जेसीबी के जरिए हाईवे पर लगाए गए सीमेंट के बैरिकेड्स को भी मौके से हटा दिया गया है। पुलिस की कार्रवाई के वक्त मौजूद किसानों ने वीडियो शूट करके वायरल किया है। एसडीएम का कहना है कि बल का इस्तेमाल नहीं किया गया। नए कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को लेकर के देर रात गाजीपुर बॉर्डर में हंगामे के हालात बन गए। किसानों ने पुलिस और सरकार पर आंदोलन को अस्थिर करने का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का आरोप है कि पुलिस ने रात को उनके कैंप की बिजली काट दी। डर का माहौल बनाया जा रहा है, इसलिए हम लोग रात भर जागते रहे। दिल्ली में हुई हिंसा के दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो जारी की है, जिसमें प्रदर्शनकारी एक बस में तोड़फोड़ करता हुआ दिख रहा है। पुलिस ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि 26 जनवरी को प्रदर्शनकारियों ने लाल किले में खड़ी एक बस में तोड़फोड़ की है। ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा में पुलिस वालों के साथ भी प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने के साथ समझौते को तोड़ने के लिए योगेंद्र यादव, बलदेव सिंह सिरसा, बलबीर एस राजेवाल सहित कम से कम 20 किसान नेताओं को नोटिस जारी किया गया। इन किसान नेताओं को आने वाले तीन दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं को यह नोटिस थमा दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि वो हिंसा की निंदा करते हैं। 30 जनवरी को एक दिवसीय उपवास भी करेंगे। दिल्ली पुलिस भी हमारे ही भाई हैं। किसानों की तरफ से निकाले गए ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा घटना के बाद अब किसान आंदोलन पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला ने भी इस पर अपना बयान दिया है। सुधीर सिंगला ने कहा कि आंदोलन करना सभी का अधिकार है, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। 26 जनवरी को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश के सम्मान में सरकार ने किसानों की हर मांग को माना, लेकिन किसानों के हित में सरकार खड़ी है, पर किसान की आड़ में जो हुआ उससे देश को नुकसान हुआ। गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली में हुई हिंसा के चलते सिरसा पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया है। सिरसा पुलिस कप्तान ने उपायुक्त को पत्र भेजकर जिले में धारा 144 लगाने की सलाह दी। बाउदीन टोल प्लाजा पर एक पुलिस कर्मचारियों के तैनाती करने से किसानों में रोष है। किसानों का मानना है कि टोल प्लाजा को खाली कराने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए। किसान युवा नेता ने कहा है कि किसी भी कीमत पर टोल प्लाजा से वो नहीं हटेंगे, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती किसान इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे।
दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुए उपद्रव के बाद पुलिस टोल प्लाजा पर बैठे किसानों पर सख्त हो गई है। कई जगह पर पुलिस ने टोल प्लाजा से किसानों को उठा दिया। अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर किसान हालांकि अभी भी डटे हैं। शंभू टोल प्लाजा पर करीब एक महीने से ऊपर किसान टोल प्लाजा पर ही बैठे हैं, जहां पर लंगर लगाया गया है और किसान अभी भी इस टोल प्लाजा पर डटे हुए हैं। किसान नेता जयसिंह ने कहा है कि सरकार आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि वो न्यायप्रिय तरीके से आंदोलन को चला रहे थे, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने सरकार के साथ मिलकर इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। किसान नेता ने कहा कि इन घटना की वो निंदा करते हैं। वो इस टोल प्लाजा पर पूरी तरह से डटे रहेंगे। टोल प्लाजा पर तब तक टोल नहीं लेने दिया जाएगा जब तक सरकार कानून को वापस नहीं लेती। हिसार के चारों टोल पर अभी तक किसानों का धरना सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों ने बातचीत के दौरान कहा है कि गणतंत्र दिवस तक किसान ट्रैक्टर परेड के बाद भी उनका धरना सुचारू रूप से चल रहा है। किसान की माने तो जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता है तब तक टोल मुक्त अभियान चलता रहेगा। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि टोल मुक्त अभियान चल रहा है और चलता रहेगा। उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि घटना निंदनीय है और उसमें बीजेपी सरकार की साजिश है जो किसानों के आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा और भीड़ को लाल किले तक ले जाने के को लेकर के निशाने पर आए पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने अपनी सफाई जारी की। दीप सिद्धू की ओर से फेसबुक पर एक वीडियो डाला गया जिसमें वो अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको जानबूझकर निशाने पर लिया जा रहा है। दीप सिद्धू ने कहा कि ट्रैक्टर परेड से पहले जो युवक इकट्ठा हुए थे उसमें गुस्सा था। सरकार के तय रूट पर परेड क्यों निकाली जा रही है। जब स्टेज के आसपास गर्मा गर्मी हुई तो उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। दीप सिद्धू ने कहा कि जब लाल किले का गेट टूटा तब मैं वहां पर पहुंचा था, तब तक वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच चुके थे। मुझे लोग खींच कर ऊपर ले गए और जहां हमने निशान साहिब और किसान मोर्चा का झंडा लगाया। पंजाबी एक्टर ने कहा कि हम अपने हक को लेने गए थे, सरकार की ओर से हमारी बात नहीं मानी गई, वहां पर लगे राष्ट्रीय ध्वज को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। अगर ऐसा करने से मैं गद्दार हुआ तो बॉर्डर पर बैठा हर कोई गद्दार ही है। किसान परेड से वापसी लौटते समय किसान की ट्रैक्टर से गिरने से मौत हो गई। 19 साल का मृतक किसान कैथल के पाई गांव का रहने वाला था। अपने मां बाप का वो इकलौता बेटा था। मृतक किसान 24 जनवरी को अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर से काफिले के साथ ठीकरी बॉर्डर तक गया था। 26 जनवरी की किसान परेड के बाद अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर से वो वापस लौट रहा था। घटना के बाद से किसान के परिवार में शोक की लहर है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया गया है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 3 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर 5 बजे तक रोक लगा दी थी। सोनीपत पलवल झज्जर जिले में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं और SMS सर्विस पर 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी गई। BSNL सहित हरियाणा की सभी टेलीकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियों को इस आदेश की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवक्ता ने बताया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुष्प्रचार अफवाह के प्रसार को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक आदेश के मुताबिक लाल किला 31 जनवरी तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। इससे पहले प्रतिष्ठित स्मारक को बर्ड फ्लू अलर्ट के कारण 19 जनवरी से 22 जनवरी तक के लिए बंद किया गया था। लाल किले गणतंत्र दिवस समारोह के चलते 22 जनवरी से 26 जनवरी तक बंद था। सूत्रों के मुताबिक 27 जनवरी को इसे पर्यटकों के लिए खोला जाना था, लेकिन ऐसा अब नहीं किया जाएगा। सूत्रों ने बताया है कि 26 जनवरी को लाल किला परिसर में भड़की हिंसा के बाद ESI ने नुकसान का जायजा लेने के लिए गेट बंद रखने का फैसला किया। इससे पहले संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने घटनास्थल का दौरा करके ESI से रिपोर्ट मांगी। कोरोना काल में प्रदेश में पहली बार 9वीं और 12वीं की क्लास की परीक्षाएं होंगी। शिक्षा विभाग ने डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी, जबकि बाकी कक्षाओं की परीक्षाएं अब सर ऐप के जरिए होंगी। 1 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा शहीद ऋषभ शर्मा के नाम पर स्कूल का नाम होगा। फरीदाबाद के गांव घरोड़ा में राजकीय स्कूल बनाया जाएगा। बता दें 25 जनवरी को पठानकोट में शहीद हुए थे ऋषभ। साइबर सिटी गुड़गांव में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर ई इपिक ऐप की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से मतदाता के वोटर कार्ड को डिजिटिफाइज किया गया है। अब मतदाता एक क्लिक पर अपना फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। QR कोड से मतदाता पहचान पत्र ऑथेंटिक और सिक्योर रहेगा। इसके लिए मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से ई इपिक डाउनलोड को कर सकता है। 5 जिलों की आशा वर्कर्स अपनी मांग को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री के निवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों की माने तो उन्होंने कोरोना काल में दुगनी तनख्वाह देने का आश्वासन दिया, लेकिन अब उन्हें टाला जा रहा है।
प्रदर्शनकारियों की मांग यह है कि आशा वर्कर को पक्का किया जाए, उनका न्यूनतम वेतन भी उनको दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाए। उनका कहना है कि एक्टिविटी का काटा गया 50% वेतन तुरंत लागू किया जाए। टोहाना में बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद लगाए गए जुर्माने की राशि न भरने वालों पर विजिलेंस की टीम ने शिकंजा कसते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। विजिलेंस की टीम ने एएसआई के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को बिजली विभाग की टीम ने दुकान में बिजली चोरी करते हुए पकड़ा था। इसके बाद उस पर 1,82,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था। एएसआई ने यह भी बताया कि बिजली विभाग ने जिन लोगों पर जुर्माना लगाया, अगर वो जुर्माना नहीं भरते तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। पंचकुला में 24 घंटे में लूट की 2 वारदात से दहशत फैल गई है। गन पॉइंट पर लूट का पहला मामला सेक्टर 20 से सामने आया है, तो दूसरी वारदात मटावाला के पास घटित हुई है। गांव बिल्ला में आंखों में मिर्च पाउडर डालकर ईपे कंपनी में काम करने वाले युवक से 2,30,000 रुपए की लूट की गई है। 2 मोटरसाइकिल पर सवार आधा दर्जन युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। कैथल के साकार गांव के पास हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी रविंद्र सांगवान ने बताया है, प्रॉपर्टी विवाद के चलते एक भाई ने सुपारी देकर अपने भाई की हत्या करवाई थी। बता दें कि 7 दिन पहले पुलिस को एक अज्ञात शव की सूचना मिली थी, जिसकी पहचान जयपाल के तौर पर हुई थी। मृतक के भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उसके ताऊ ने लड़के समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। जांच के दौरान मृतक की पत्नी उषा रानी ने शिकायतकर्ता शीशपाल पर शक जाहिर किया। इसके बाद पूछताछ के दौरान आरोपी शीशपाल ने कबूल किया, उसने हत्या के लिए अक्षय नाम के शख्स को 35,000 रुपए दिए। रोहतक के गांव रुड़की के पास पूरी तरह से जली हुई एक मारुति वैन में जला हुआ शव मिला है। मृतक की पहचान मुंगाड़ गांव के संदीप के रूप में हुई। सूचना पर आईएमटी थाना पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा होगा हादसा है या हत्या। करनाल के कैथल रोड पर हादसा हुआ है। निजी बस खाली नहर में जा गिरी है। गनीमत यह रही कि नहर में पानी नहीं था। हादसा बस के टायर फटने के बाद असंतुलित होने की वजह से हुआ है। घायलों को निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। बस कर्मचारियों को फैक्ट्री से लेकर उनके घर छोड़ने जा रही थी, उस वक्त ही हादसा हुआ है। मौके पर तुरंत आसपास के लोग पहुंच गए हैं। घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और पुलिस को सूचना दी गई। कुरुक्षेत्र के जीटी रोड पर कोहराम के कारण सड़क हादसा हुआ है। आधा दर्जन गाड़ियां आपस में भिड़ गई हैं। गनीमत यह रही है कि इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। दिल्ली के रहने वाले यात्री ने बताया कि वो दिल्ली की ओर जा रहे थे, तभी अचानक से उनकी गाड़ी के आगे कोई जानवर आ गया और फिर गाड़ियां आपस में भिड़ती चली गई। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से ठंड की चपेट में हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं और सर्दी में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के मैदानों और मध्य भारत में अगले 4 दिन तक शुष्क हवाओं का दौर रहेगा। इस कारण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश अगले 3 से 4 दिन घना कोहरा छाए रहने का अनुमान। आईएमडी ने जानकारी यह भी दी है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 3 से 4 दिन तक तेज सर्द हवाएं चल सकती हैं। इसके बाद इन राज्यों में इसका प्रभाव कम होने लगेगा। कड़ाके की ठंड ने घने कोहरे के साथ एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे दी है। सुबह के वक्त दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई है। इलाकों में विजिबिलिटी 10 से 15 मीटर तक दर्ज की गई। सुबह के वक्त दिल्ली के आईटीओ, कश्मीरी गेट, अक्षरधाम समेत तमाम और यमुना से सटे इलाकों में घने कोहरे की चादर नजर आई है। इसकी वजह गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन में इसी तरह से मौसम दिल्ली और एनसीआर के अंदर बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। पीएम मोदी को इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। एनसीसी के इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद हैं। दरियप्पा परेड ग्राउंड में हुए इस कार्यक्रम के दौरान अलग अलग राज्यों की ओर से परेड निकाली गई। पीएम मोदी ने इस दौरान सभी परेड का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल ने यह दिखाया है कि वायरस हो या फिर बॉर्डर की चुनौती, भारत पूरी तरह से तैयार है। आज देश को 2 देसी वैक्सीन मिल चुकी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यहां आकर हमेशा सुखद अनुभव होता है। हर किसी को देखकर गर्व होता है। जिन देशों में समाज में अनुशासन होता है, वो देश हर क्षेत्र में परचम लहराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि देश में जहां भी कोई महत्वपूर्ण काम होता है, वहां हमेशा एनसीसी के कैडेट्स पहुंचते हैं। संकट के वक्त भी मदद के लिए आगे रहते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे।
अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के घायल जवानों के साथ की मुलाकात। हिंसा में कई जवान घायल हुए जिनमें से कुछ सुश्रुत ट्रामा सेंटर में भर्ती। वाराणसी से राहुल गांधी पीएम मोदी पर हमला बोला, कहा अधिकतर किसान नहीं जानते कृषि कानून की कमियां क्या हैं, लेकिन जैसे ही बारे में किसानों को पता चलेगा देश भर में आंदोलन तेज होगा। साथ ही कहा कि 2-3 व्यापारियों के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। दिल्ली के सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने अगले 2 साल में देश के 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब और गोवा में आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो पार्टी हिंसा के लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। किसानों का साथ देने के लिए झंडा डंडा टोपी घर पर छोड़कर जाएं, एक आम नागरिक बनकर किसानों का समर्थन करें। संसद का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। बजट सत्र 2 चरण में होगा। कोरोना संक्रमण की वजह से संसद की कई परंपराओं को दरकिनार करते हुए नए प्रोटोकॉल के हिसाब से संसद का बजट सत्र चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले सरकार सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रखेगी। कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। किसान आंदोलन, भारत चीन का मुद्दा, गिरती अर्थव्यवस्था, व्हाट्सएप चैट्स लीक मामले को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने की कवायद में। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मेट्रो सेवा को लेकर के नया अपडेट जारी किया है। लालकिला मेट्रो स्टेशन यात्रियों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। लालकिला मेट्रो स्टेशन पर यात्री ना तो मेट्रो स्टेशन से प्रवेश कर सकेंगे ना ही बाहर आ सकते हैं। जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन में भी यात्रियों की एंट्री रोकी गई। मेट्रो स्टेशन पर एंट्री पर रोक लगने के बाद ऑफिस जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।